वेलकम बैक। आज का हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो राइबोसोम्स है। हम पढ़े सेल ऑर्गेनेलिस, जो हमारी सेल की ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर है उनको स्टडी कर रहे हैं। राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, पिछले चैप्टर लेक्चर में, सॉरी, हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स। ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स, राइट, देट आर आइदर फ्लोटिंग, या तो वो घूम फिर रहे होते हैं इन साइटोप्लाज्म, या फिर वो ईआर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक हमारा सेल है, ये इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं, यहाँ छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होंगे। अब ये देखें, ये साइटोप्लाज्म है ना सेल के अंदर, ये वाला साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर या तो फ्लोट कर रहे होंगे, या फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होंगे। इनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। ईच राइबोसोम जो है वो इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। इसके अंदर हमारे पास होता क्या है, ये छोटे छोटे इसके अंदर प्रोटीन होता है, बेसिकली ये प्रोटीन ही है सारा जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। राइबोसोम्स जो है वो किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होंगे, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। इनके ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ही किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो प्रोफाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में बात की थी कि वो प्रोकैरियोट में नहीं होता, लेकिन ये राइबोसोम्स जो है ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट में तो होते ही होते हैं, ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। अब आपसे ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियस तो प्रोकैरियोट में नहीं होता, राइबोसोम्स होते हैं या नहीं होते, ये चीज आपने याद रखनी है। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे अगर यूकैरियोटिक सेल है ना कोई, तो उसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन अगर वही राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होगा तो वो छोटा होगा, उससे स्मॉलर होगा थोड़ा सा यूकैरियोटिक के निस्बत, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, के यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर स्लाइटली लार्जर। ये मैं पॉइंट्स में इसलिए लिख रही हूं ताकि आप आसानी से याद कर सकें, देन प्रोकैरियोटिक सेल्स, राइट। राइबोसोम्स क्या है, अब राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, यहाँ हेडिंग दे लें फंक्शन की। एक्चुअली राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्लियर। प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, तो इसलिए जो जो जगह है, जो साइट है प्रोटीन सिंथेसिस होने की, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए काम भी ज्यादा चाहिए ना, तो सो लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट द सेल, ताकि वो ज्यादा हो, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो आपके पास। व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग, इट डीअसेंबल्स इनटू टू स्मॉलर यूनिट। जब एक राइबोसोम काम नहीं कर रहा होगा ना, तो ये आपके पास दो यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब वो दो यूनिट कौन से हैं, एक मैंने आपके सामने यहाँ पे इमेज ड्रॉ की है, ये आ जाए इस पे, आपकी बुक में भी ये इमेज ड्रॉ की हुई है, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। ये देखें, ये राइबोसोम की इमेज है। जब ये काम नहीं कर रहा होगा ना, तो ये टू यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा, डिसअसेंबल हो जाएगा टू यूनिट में, एक ये नीचे है स्मॉलर यूनिट, और एक ये ऊपर है, ये क्या है लार्जर यूनिट, क्लियर। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में उसका आपको। अच्छा, राइबोसोम्स को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्गेनेलिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल है। ये छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो प्रोटीन की सिंथेसिस उनमें हो रही होती है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, राइट। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं, जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, वो थोड़े से बड़े होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल से,
ये चीज आपने याद रखनी। और इनका फंक्शन क्यों क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो अगर ज्यादा होगा तो उसके लिए हमें राइबोसोम्स भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो इसलिए दे आर प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन द सेल। अब राइबोसोम्स की लोकेशन क्या है, लोकेशन के लिए एक हेडिंग दे दें यहाँ पे, इसकी लोकेशन क्या है, ये पाया कहाँ पे जाता है, ये कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है, जो फ्लूइड होता है हमारे सेल का उसके अंदर ये छोटे छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इनके दरमियान, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ना ये किसी मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं, ये अकेले होते हैं। और जब इनकी ये पूरे प्रोटीन से भरे हुए होते हैं, और जब ये फंक्शन नहीं कर रहे होते तो फिर उस टाइम पे ये डिवाइड हो रहे होते हैं दो स्मॉलर यूनिट्स में, एक लार्जर यूनिट होता है हमारे पास और एक स्मॉलर होता है। ये आपके पास एक इमेज भी है यहाँ पे इसके बारे में, इज दैट क्लियर। अच्छा, राइबोसोम्स पढ़ लिया हमने, अब नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हमारे पास जो सेल ऑर्गेनेली के जो ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें वो बहुत सारे होते हैं, दे आर वेरी न्यूक्लियस पढ़ लिया, साइड पे लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए ताकि याद रहे। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लास्टिड्स, और भी बहुत सारे हैं आगे हमारे पास, ये आप आगे पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद आगे आपके पास गॉल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, इन सब को हमने एक 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 टॉपिक में अलग अलग पढ़ना है, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।